Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. मैं हूँ आपका ऑनलाइन टीचर महमूद असलम. मैं पिछले 2-3 साल से प्राइवेट अदारों में मैथमेटिक्स के लेक्चर ले रहा हूँ. तो मैं अब इन्हीं लेक्चर्स को ऑनलाइन आगाज करने जा रहा हूँ. तो आप लोगों से दरख्वास्त है कि हमारे इस चैनल स्टडी एंड सॉल्यूशन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो आपको बर वक्त मिल सके. तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि मैथमेटिक्स क्या होता है. व्हाट इज मैथमेटिक्स? मैथमेटिक्स क्या होता है? मैथमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ नंबर, पैटर्न एंड शेप्स. यानी किसी नंबर की स्टडी, किसी शेप की स्टडी या किसी पैटर्न की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? मैथमेटिक्स बोलते हैं. इज अ स्टडी ऑफ नंबर, शेप्स एंड पैटर्न. यानी मैथमेटिक्स इज अ स्टडी ऑफ नंबर, शेप्स एंड पैटर्न. मैथमेटिक्स हमारे जिंदगी में, हमारे लाइफ में एज अ बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम करता है. यानी हर जगह मौजूद है. आप फर्ज कर लें मोबाइल फोन हो गए, आर्ट हो गए, मनी हो गए, इवन कि अब तो स्पोर्ट्स में भी मैथमेटिक्स का यूज हो रहा है. अब हम देखते हैं कि हमारे पास नंबर्स के कितने टाइप्स हैं, यानी टाइप्स ऑफ नंबर्स. हमारे पास टाइप्स कितने, नंबर ऑफ टाइप्स कितने हैं हमारे पास? सबसे पहले हमारे पास है नेचुरल नंबर. सेकंड पे हमारे पास है होल नंबर. थर्ड पे हमारे पास है इंटीजर. फोर्थ नंबर पे हमारे पास है रैशनल नंबर. और एंड पे हमारे पास है इरेशनल नंबर. हम बारी बारी इनको हम डिस्क्राइब करेंगे, इनके डेफिनेशन बयान करेंगे कि नेचुरल नंबर हमारे पास क्या होता है. नेचुरल नंबर आर नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम वन. यानी आ नंबर विच इज स्टार्ट फ्रॉम वन. यानी ऐसा नंबर जो वन से स्टार्ट होता हो, तो वह नंबर हमारे पास क्या क्या कहलाता है? नेचुरल नंबर कहलाता है. मिसाल के तौर पर 1, 1, 2, 3 इस तरह हम आगे चलते जाएं तो ये हमारे पास क्या कहलाते हैं? नेचुरल नंबर कहलाते हैं. 1, 2, 3 इस तरह चलते जाएंगे, मेरे पास क्या कहलाएंगे? नेचुरल नंबर कहलाएंगे. अब हमारे पास देखते हैं कि होल नंबर क्या होते हैं. आ नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम जीरो. यानी ऐसे नंबर जो जीरो से स्टार्ट होते हैं क्या कहलाते हैं? होल नंबर कहलाते हैं. दूसरे फाज में अगर हम नेचुरल नंबर में हम अगर जीरो को ऐड करते हैं तो वो हमारे पास क्या बन जाते हैं? होल नंबर बन जाते हैं. यानी आ नंबर विच इज स्टार्ट फ्रॉम जीरो. यानी दैट इज 0, 1, 2, 3 सब ऐसे हम इस तरह चलते जाएं तो ये हमारे पास क्या कहलाते हैं? होल नंबर बन जाते हैं. अब हमारे पास होल नंबर के कुछ सब पार्ट्स भी हैं, यानी इनके आगे सब पार्ट्स हैं तो हम उनको भी बयान करते हैं. तो वो उसका मतलब क्या है हमारे पास? वो हमारे पास हैं सबसे पहले होल नंबर में पास है सबसे पहले हैं सब पार्ट्स. इसके सबसे पहले हमारे पास हैं इवन नंबर. फिर हमारे पास है ऑड नंबर. फिर हमारे पास है प्राइम नंबर. और फिर हमारे पास है कंपोजिट नंबर. ठीक हो गया. ये हमारे पास हैं सब पार्ट्स ऑफ होल नंबर के. यानी होल नंबर के सब पार्ट्स हमारे पास दिए गए हैं. अब सबसे पहले हमारे पास क्या है? इवन नंबर. इवन नंबर क्या होते हैं? अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय टू. यानी अ नंबर, हम इसको पहले लिख लेते हैं, अ नंबर विच इज बाय टू. यानी ऐसे नंबर जो टू पे डिवाइड हो जाएं. मिसाल के तौर पर
जीरो टू फोर सिक्स एट इस तरह चलते हैं कि मेरे पास क्या है इवन नंबर आ जाते हैं। अब हमारे पास यानी ऐसे नंबर जो टू पे डिवाइड हो जाए उनको हम क्या बोलते हैं इवन नंबर बोलते हैं। अब हमारे पास है ऑड नंबर, क्या होते हैं मेरे पास अ नंबर विच इज नॉट डिवाइडेड बाय टू, यानी जो टू पे डिवाइड ना होते हो, अ नंबर विच इज नॉट डिवाइडेड बाय टू, यानी ऐसे नंबर जो टू पे डिवाइड ना होते हो मिसाल तौर पर वो क्या कौन कौन से होंगे, वो होंगे वन हो गया, थ्री, फाइव, सेवन, नाइन और इलेवन, इस तरह चलते जाएंगे जो मेरे पास क्या हो जाएंगे और नंबर मान जाएंगे। फिर आता है मेरे पास प्राइम नंबर, प्राइम नंबर मेरे पास कौन से होते हैं, अ नंबर विच हैज नो फैक्टर अदर देन वन एंड इटसेल्फ, यानी उसकी और कोई फैक्टर नहीं होते वन और उसके अपने अलावा। हम इसको पहले लिख लेते हैं फिर मैं आपको बयान करता हूं, अ नंबर विच हैज नो फैक्टर अदर देन वन एंड इटसेल्फ, यानी उसके अपने और एक के अलावा उसके और कोई फैक्टर नहीं होते। तो वो हमारे पास क्या कौन कौन से होंगे, वो हमारे पास हैं दैट इज टू हो गया, टू अपने आप पे डिवाइड होता है या वन पे डिवाइड होता है, उसके बाद आ गया थ्री, ये भी या थ्री खुद पे डिवाइड होता है या वन पे डिवाइड होता है, टू पे तो ये थ्री टू पे तो डिवाइड हो नहीं सकता। अब हमारे पास टू थ्री इसी तरह फाइव है, ये भी खुद पे होता है या वन पे होता है, इसी तरह सेवन आ गया, इसी तरह हमारे पास क्या आ गया इलेवन, क्योंकि जो नाइन है वो थ्री पे डिवाइड भी होता है, नाइन पे भी होता है और वन पे भी होता है, लेकिन हमने क्या कहा है कि नंबर की छह नो फैक्टर अदर देन वन एंड इटसेल्फ, यानी वन के वन पे और अपने आप पे डिवाइड होता हो और किसी पे डिवाइड ना होता हो। तो फिर हमारे पास क्या आएगा टू थ्री फाइव सेवन और इलेवन, इस तरह हमें आगे इसके बाद आ जाएगा थर्टीन आ जाएगा सेवनटीन आ जाएगा ट्वेंटी थ्री हो जाएगा, ये हमारे पास क्या हो जाते हैं प्राइम नंबर हो जाते हैं। अब हमारे पास आ जाता है कंपोजिट नंबर, आ नंबर कंपोजिट मतलब क्या है, आ नंबर विच हैज मोर देन वन फैक्टर अदर देन वन एंड इटसेल्फ, यानी वन और इटसेल्फ तो उसने डिवाइड होने ही होने हैं, इसके अलावा हमारे पास और भी उसके फैक्टर हो सकते हैं। हम पहले इसको मैं इसको लिखता हूं पहले फिर आपको बताता हूं, अ नंबर विच हैज मोर देन वन फैक्टर अदर देन वन एंड इटसेल्फ, यानी वन और सेल्फ के उसके अपने अलावा और भी उसके फैक्टर हो सकते हैं। तो वो फैक्टर कौन कौन से होंगे हमारे पास, फर्स्ट करते हैं मेरे पास टू है, टू तो सिर्फ टू अपने आप पे डिवाइड होता है या वन पे डिवाइड होता है, ये तो हमारे पास हो नहीं सकता। उसके बाद आ जाता है हमारे पास फोर, टू फोर आ जाता है, फोर के मतलब कैसे, फोर है इसका क्या मतलब है, ये फोर डिवाइड किस पे हो रहा है, वन पे भी हो रहा है, ये किस पे हो रहा है टू पे भी हो रहा है, और ये और किस पे हो रहा है, ये थ्री पे, ये फोर पे भी हो रहा है, अपने आप पे भी हो रहा है, वन पे भी हो रहा है, टू पे भी हो रहा है और फोर पे भी हो गया। तो इसका क्या मतलब है कि ये हमारे पास कंपोजिट नंबर आ जाएगा, फोर हो गया, उसके बाद क्या हो गया सिक्स हो गया, देखिए सिक्स का कैसे आएगा, सिक्स क्या होगा, ये हमारे पास किस पे डिवाइड होता है, ये हमारे पास वन पे डिवाइड भी होता है, थ्री पे भी होता है, टू पे भी होता है, थ्री पे भी होता है और सिक्स पे भी होता है, इसके तीन फैक्टर बने जिसके कितने मान गए चार, तो ये मेरे पास क्या होता है कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। तो ये हो गए इसके सब पार्ट्स हो गए। अब हम इसकी नेक्स्ट डेफिनेशन पढ़ते हैं कि इंटीजर क्या है, कि व्हाट इज इंटीजर, अ नंबर विच कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो, यानी अगर मेरे पास आ गया इंटीजर, अ नंबर विच कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो, यानी अ नंबर जो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास है
फर्स्ट कोड मेरे पास -4, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और 4 इस तरह ये चलता जाएगा पॉजिटिव इन्फिनिट तक, और ये मेरे पास चलता जाएगा माइनस नेगेटिव इन्फिनिट तक। यानी इसमें देखें नेगेटिव नंबर भी आ रहे हैं, जीरो भी आ रहे हैं और पॉजिटिव नंबर भी आ रहे हैं, तो ये मेरे पास क्या हो जाते हैं? इंटीजर्स कहलाते हैं। अब इसकी चौथी मेरे पास डेफिनेशन मेरे हमने पढ़ी थी, पढ़नी है, वो मेरे पास है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर हमारे पास क्या होते हैं? रैशनल नंबर हम इसकी डेफिनेशन पर ध्यान देते हैं कि रैशनल नंबर होते क्या है। अ नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन पी ओवर क्यू फॉर्म, यानी विच कैन बी एक्सप्रेस लिख दें, लिख लें, या विच कैन बी रिटर्न लिख लें, जैसा मर्जी लिख लें। तो ये हमारे पास क्या पे नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म इन पी ओवर क्यू फॉर्म, यानी अगर हम किसी नंबर को पी बटा क्यू शब्द में लिख लें तो हमारे पास क्या कहलाता है? रैशनल नंबर कहलाता है। लेकिन ये हमारे पास के लिए पी और क्यू है ना, ये हमारे पास कोई इंटीजर्स हैं, वेयर पी क्यू आर इंटीजर्स एंड, और जो क्यू है ना ये जीरो हमारे पास नहीं होना चाहिए। यानी ऐसा नंबर जिसको हम पी बटा क्यू की शक्ल में लिख सकें, और ये जो हमारे पास ये पी और क्यू है ये हमारे पास कोई इंटीजर्स हैं, और ये जो हमारे पास क्यू है ना ये हमारे पास जीरो नहीं होना चाहिए। तो हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल हमारे पास क्या आएगी? फर्स्ट करो हमारे पास इसमें आ जाएगा जीरो, यानी जीरो हमारे पास रैशनल नंबर होगा, वन हो गया, टू होगा। अब देखे ना, ये आप कहेंगे कि ये पी बटा क्यू की शक्ल में नहीं है, जिसके नीचे कोई ना हो उसके नीचे मेरे पास कोई चीज ना हो उसके नीचे मेरे पास वन होता है। देखिए जीरो पर वन ये पी बटा क्यू फॉर्म बन गई, वन ओवर वन ये भी पी बटा क्यू शक्ल फॉर्म बन गई, ये टू ओवर वन ये भी मेरे पास क्या होगी? पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये मेरे पास पॉजिटिव भी हो सकते हैं और इसमें नेगेटिव भी हो सकते हैं। अब हम इसकी दूसरी फॉर्म देखते हैं, वो मेरे पास है अंडर रूट फोर। अंडर रूट फोर जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो मेरे पास आंसर क्या आता है? टू आता है। तो ये टू मेरे पास क्या होगा? क्योंकि इसके नीचे कोई चीज भी नहीं है तो उसके नीचे मेरे पास क्या होगा? वन होगा। तो ये भी मेरे पास क्या हो जाएगा? पी बटा क्यू फॉर्म लिखा जा सकता है इसको। तो ये मेरे पास क्या होंगे? रैशनल नंबर होंगे। और इसके अलावा और एग्जांपल देख लें, अंडर रूट नाइन हो गया, ये इसका क्या होता है? ये थ्री होता है। तो ये भी हमारे पास क्या होगा? रैशनल नंबर होगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है, हम अगर इसको सॉल्व करते हैं, कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, वन ओवर थ्री। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.33333 और इस तरह ये चलता जाएगा हमारे पास। तो इसको हम क्या बोलते हैं? ये भी हमारे पास आ जाएगा। हम इसको इस तरह, क्योंकि हमारे पास इशारे के बाद रिपीटेड हो रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? हम इसको 0.3 और ये ऊपर हम इस तरह बार डाल देते हैं। इस बार का मतलब होता है रिकरिंग नंबर। रिकरिंग नंबर क्या होता है? कि रिकरिंग नंबर वो होते हैं जो इशारे के बाद जो नंबर आ रहा है ना वो रिपीट होता जाए, तो हम उसको क्या बोलते हैं? रिकरिंग नंबर बोलते हैं। इसको बोलते हैं हम रिकरिंग नंबर। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि एवरी टर्मिनल डेसिमल और रिकरिंग नंबर इज रैशनल नंबर। हम आप इधर नोट करके लिख लें, एवरी रिकरिंग नंबर और टर्मिनल डेसिमल इज रैशनल नंबर, यानी रिकरिंग नंबर और टर्मिनल डेसिमल हमारे पास क्या होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं। रिकरिंग नंबर मतलब ये होता है कि इशारे के बाद रिपीट होते जाए, और टर्मिनल डेसिमल का मतलब ये होता है कि कुछ टर्म्स के बाद उनका आंसर जीरो हो जाए, यानी कुछ टर्म्स के बाद हमारा आंसर आ जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? टर्मिनल डेसिमल बोलते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया? रैशनल नंबर। अब आ जाता है हमारे पास इरेशनल नंबर, वो तो बिल्कुल ईजी है। इरेशनल नंबर क्या होते हैं? ऐसे ना नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द पी ओवर क्यू फॉर्म, यानी जो नंबर हमारे पास पी बटा क्यू फॉर्म में ना लिखे जा सकते हो, हम उसको उनको क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं। बोलते हैं नंबर
which cannot written in A over P over Q form. फर्स्ट वाले मेरे पास वो मेरे पास क्या हो जाएंगे अंडर रूट थ्री हो गया, ये मेरे पास ये डेसिमल नंबर हो गया, इसके बाद हो गया इस तरह से चलते जाएंगे अंडर रूट फाइव हो गया, ये भी डेसिमल नंबर होगा, अंडर रूट सेवन हो गया, फिफ्टीन हो गया, जो भी हो जो मेरे पास आता है ये मेरे पास क्या हो जाएंगे ये डेसिमल नंबर बन जाएंगे। तो ये था आज का हमारा लेक्चर मैथ के बारे में, टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में। तो हमने ये हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हुआ, इंशाल्लाह मुलाकात हो गई नेक्स्ट लेक्चर में।